हेलो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं क्या है लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो ये स्टार्ट करने के पहले एक बार वापस आपको शॉर्ट में बता देता हूँ यूटिलिटी क्या है स्टूडेंट ठीक है ना यूटिलिटी इज नथिंग बट पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिसफाई ह्यूमन वॉन्ट किसी भी कमोडिटी में हमारे वॉन्ट को सेटिसफाई करने की जो ताकत होती है उसे हम यूटिलिटी कहते हैं स्टूडेंट ठीक है ना तो आपको यूटिलिटी तो समझ गया ठीक है समझो आपकी वॉन्ट है कि आपका वॉन्ट है कि आप मैंगो खाना प्रीफर कर रहे हो अभी ठीक है ना आप चाहते हो कि आप मैंगो खाओ ठीक है तो मैंगो में ही वो पावर है जो आपके वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सकते जब तक आपको मैंगो नहीं मिलेगा तो आपका वॉन्ट सेटिस्फाई नहीं होगा तो मैंगो में क्या स्टूडेंट पावर है ओके okay? और ये जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो ये हमें ये बताता है स्टूडेंट जैसे जैसे मुझे मैंगोस मिलते रहेंगे वैसे वैसे जो यूटिलिटी है जो पावर है मैंगो में मेरे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने की धीमे 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 कम होती रहेगी एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो पूरी खत्म हो जाएगी स्टूडेंट ठीक है ना और फिर बाद में मैंगों में ऐसी बिल्कुल भी पावर नहीं होगी कि वो मेरे वांट्स को सेटिस्फाई कर सके स्टूडेंट ठीक है तो चलिए ये कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं और डिटेल में इंट्रोडक्शन सबसे पहला दिस लॉ वॉज फर्स्ट प्रपोज बाय प्रोफेसर गुशन बाय बट वॉज डिस्कस इन डिटेल बाय प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल इन इज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पब्लिशिंग एटीन ओके स्टूडेंट तो ये आ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ये प्रोफेसर भूषण ने इंट्रोड्यूस किया था प्रपोज किया था बट इसका डिटेल चर्चा प्रोफेसर असडर्ड मार्शल की बुक में की गई थी ठीक है वो बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक जो 1890 में पब्लिश हुई थी स्टूडेंट दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज यूनिवर्सल इन कैरेक्टर कैरेक्टर्स इट इज बेस्ड ऑन द कॉमन कंजम्शन बिहेवियर डेट यूटिलिटी डिराइव डिमिनिश विथ द रिडक्शन इन द इंटेंसिटी ऑफ वॉन्ट ओके स्टूडेंट ये जो कैरेक्टर है वो यूनिवर्सल है यूनिवर्सल मतलब स्टूडेंट वो हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है ठीक है ना ये एक कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर फोकस करता है और ये लॉ ऑफ डिमिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें यह बताता है कि जैसे जैसे हमें चीजें मिलती रहेगी ठीक है जैसे जैसे चीजें हमें मिलती रहेगी उससे जो पावर है यूटिलिटी कमोडिटी की जो हमारे वॉन्ट को सेटिस्फाई करने की वो क्या होगी कम 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 होती रहेगी स्टूडेंट ओके चलिए स्टेटमेंट ऑफ लॉ देखते तो ये लॉ क्या कहता है ठीक है इसे स्टूडेंट लॉ जो होता है वो हमें हैज लिखना होता है ट्राई करो आप इसे प्रॉपरली याद कर लो ठीक है अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फर्ड मार्शल अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्ड फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन इन स्टॉक ऑफ अ थिंग टी विद एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ स्टॉक दैट ही ऑलरेडी हैज तो स्टूडेंट अगर ये डेफिनेशन को आप प्रॉपरली पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी ठीक है ना अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट तो कहने का मतलब है बाकी जो कंडीशंस है आज अपने सराउंडिंग में और अपनी वो क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए कुछ भी उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए ठीक है द एडिशनल बेनिफिट विच ए पर्सन डिराइव फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ठीक है ना तो कोई भी कमोडिटी जिसमें मेरे वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने की पावर है ठीक है जब उसका स्टॉक बढ़ जाएगा स्टूडेंट जब उसका स्टॉक बढ़ जाएगा ठीक है ना तो जो एडिशनल बेनिफिट जो मुझे मिलेगा स्टूडेंट उससे ठीक है इंक्रीजिंग स्टॉक की वजह कमोडिटी का स्टॉक बढ़ता, बढ़ता रहेगा जिस जिससे मेरी वॉन्ट सेटिस्फाई होगी तो मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी स्टूडेंट क्या होगा धीमे 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 कम होता रहेगा ठीक है इन वर्ड्स मार्जिनल यूटिलिटी दैट एनी कंज्यूमर डिराइव फ्रॉम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग हैज हीज और हर टोटल कंजम्पशन ऑफ डेट कमोडिटी इंक्रीजेस इन शॉर्ट द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव द लेस यू वॉन्ट टू हैव मोर ऑफ इट ठीक है स्टूडेंट तो जैसे जैसे आपको सक्सेसिव जो कमोडिटी है मिलती जाएगी मिलती जाएगी तो उसमें से जो पावर है जो कमोडिटी का जो पावर होगा हमारे वॉन्ट को सेटिस्फाई करने का वो कम 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 होता रहेगा ठीक है स्टूडेंट बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है लास्ट में यहाँ पे द मोर ऑफ अ थिंग यू हैव कोई भी चीज जब आपको ज्यादा मिलती है स्टूडेंट ठीक है ना द लेस यू वॉन्ट तो उतना ही हम क्या करते हैं स्टूडेंट उसको प्रीफर नहीं करते है, ठीक है टू हैव मोर ऑफ इट तो हम उसे और ज्यादा लेना या कंज्यूम करना प्रीफर नहीं करेंगे स्टूडेंट वो केस में ओके नेक्स्ट स्टूडेंट ये जो यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है तो चलिए देखते हैं क्या अजंक्शन है अजम्पन मतलब स्टूडेंट वो चीज़ें जिसके जिसके क्या बोलते हैं जिसके जो नहीं होने पे हम ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते ठीक है तो ये सारी कंडीशन बोल सकते कंडीशन तो सारी कंडीशंस जब फुलफिल होगी तो ही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा स्टूडेंट ट्रू होगा ठीक है ना तभी वो वर्क करेगा नहीं तो वो वर्क नहीं करेगा तो ये स्पेसिफिक कंडीशन है जिसके चलते लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा ठीक है तो क्या अजम्क्शन है वो वो हम देखते हैं अभी तो फॉलोइंग आर द अजंक्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ठीक है पहला कंज्यूमर इज अज्यूम टू बी रैशनल इट मीन दैट बिहेवियर इज नॉर्मल एंड ही ट्राई टू मैक्माइज हिज सेटिस्फेक्शन ठीक है ना तो स्टूडेंट सबसे पहला जो अजंक्शन है ठीक है जो पर्सन जो कंज्यूमर जो यूनिट कंज्यूम करने वाला है जिसको यूटिलिटी मिलने वाले स्टूडेंट किसी प्रोडक्ट से तो वो कैसा बंदा है वो रैशनल बंदा है स्टूडेंट ठीक है ना रैशनल पर्सन है ओके तो आप देख सकते हो ये पर्सनस जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं स्टूडेंट ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट अपना कार्डिनल मेजरमेंट द लॉ अज्यूम्स डेट यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमरिकली मेजर्स हैंड्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूनिट यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम इच यूनिट ऑफ कमोडिटी ठीक है स्टूडेंट तो सेकेंड क्या लॉ सेकेंड एजम्पन क्या कहते हैं कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं स्टूडेंट ठीक है ना तो नॉर्मली हम इसको मेजर नहीं कर सकते स्टूडेंट को कोई इंस्ट्रूमेंट कोई डिवाइस नहीं जिसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हमें हमारा हमारा कितना पावर क्या बोलते हैं फुलफिल हुआ है ठीक है ना कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद में तो ये लॉ हमें यह कहता है कि हम ये मान के चले गए कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं नंबर्स में ठीक है ना ओके okay. और वो नंबर्स पर हम इजिली मैथेमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं ठीक है हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशन आर इजिली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एज कमोडिटी तो हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं और उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने नंबर्स का सिम्बॉल्स डाला ताकि आपको ये याद रहे ठीक है विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको ये याद रह जाए थर्ड पॉइंट जो है स्टूडेंट वो है होमोजीनिटी ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्स आर एग्जैक्टली होमोजीनियस और आइडेंटिकल इन साइज सेप कलर टेस्ट एक्सेट्रा तो जितना भी कमोडिटी हम कंज्यूम करने वाले स्टूडेंट कंटिन्यूस बेसिस पे तो वो सब कैसे होने चाहिए होमोजीनियस होने चाहिए होमोजीनियस इन द सेंस वो एकदम एक जैसे होने चाहिए साइज के हिसाब से शेप के हिसाब से कलर के हिसाब से और टेस्ट तो एग्जैक्ट एग्जैक्ट सेम होना चाहिए स्टूडेंट ठीक है सब चीज़ें तब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनिटी वर्क करेगा अगर हमारा कमोडिटी होमोजीनियस नहीं होगा तो ये लॉ प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा ठीक है लॉ हम कौन क्या बोलते कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे इस लॉ का ओके तो आप देख सकते हो ये दो प्रोडक्ट है दोनों भी एकदम आइडेंटिकल इन साइज है शेप भी एक, एक जैसा है कलर भी एक जैसा है टेस्ट भी एक जैसा होगा इसका ठीक है, है स्टूडेंट तो होमोजिनिटी होना चाहिए प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए होमोजिनिटी होना चाहिए ठीक है प्रोडक्ट होमोजिनियस होना चाहिए नेक्स्ट है कंटिन्यूटी ऑल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम इन क्विक ट्विक विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम तो स्टूडेंट लॉ ऑफ यूटिलिटी को समझने के लिए हमें कमोडिटी को कंज्यूम करना पड़ेगा इन क्विक सक्सेशन मतलब कि स्टूडेंट एक कमोडिटी खत्म हुआ तो दूसरे को हमें इंटेक करना पड़ेगा दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा हमें इंटेक करना पड़ेगा ऐसा क्विक सक्सेशन में मुझे कमोडिटी को इंटेक करना पड़ेगा ठीक है थीके? तो पांचवा पॉइंट रिजनेबिलिटी ऑल द यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम आर ऑफ रिजनेबल साइज दे आर नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल तो स्टूडेंट जो यूनिट हम कंज्यूम कर रहे हैं वो सब भी सभी रिजनेबल साइज की होनी चाहिए ना तो एक्सट्रीम ज़्यादा होनी चाहिए ना तो एकदम छोटा होना चाहिए ठीक है ना तो छोटा होना चाहिए या फिर ना तो एकदम बड़ा होना चाहिए स्टूडेंट ठीक है तो साइज क्या होना चाहिए उसका रिजनेबल होना चाहिए स्टूडेंट ओके तभी ये लॉ वर्क करेगा प्रॉपरली नहीं तो लॉ वर्क नहीं करेगा स्टूडेंट सिक्स पॉइंट कॉन्स्टेंसी ऑल द रिलेटेड फैक्टर्स लाइक इनकम टेस्ट हैबिट चॉइस लाइक डिसलाइक ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट यूटिलिटी ऑफ अ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट स्टूडेंट ठीक है ना तो किसी भी पर्सन का इनकम टेस्ट हैबिट चॉइस लाइक डिसलाइक ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए कॉन्स्टेंट होनी चाहिए और हम ये मान के चले गए में कि जो मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी से मिलता है वो भी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है वो चेंज नहीं होगा ओके okay, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले इनकम ठीक है इनकम के मैंने सिम्बॉल ड्रॉ किया सेकेंड है अपना टेस्ट ठीक है टेस्ट के लिए सिम्बॉल नेक्स्ट हैबिट के लिए सिम्बॉल नेक्स्ट चॉइस के लिए सिंबल मैंने यूज़ किया हुआ है लाइक्स एंड डिसलाइक के लिए सिंबल्स मैंने यूज़ किया है ताकि आप इसे विजुअलाइज कर सको तो जो भी चीज़ है स्टूडेंट वो कैसे होनी चाहिए कंसिस्टेंट होनी चाहिए जो भी चीज़ है वो कैसे होनी चाहिए कंसिस्टेंट होनी चाहिए ठीक है नेक्स्ट पॉइंट डिविजिबिलिटी द लॉ अज्यूम्स स्टेट द कमोडिटी कंज्यूम्ड बाय अ कंज्यूमर इज डिविजिबल सो डेट इट कैन एक्वायर इन स्मॉल क्वान्टिटीज कोई भी प्रोडक्ट जो हम खरीदना प्रिफर कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए डिविजिबल होना चाहिए ठीक है थीके? अगर प्रोडक्ट डिविजिबल नहीं है स्टूडेंट तो ये लॉ ऑफ यूटिलिटी काम नहीं करेगा ठीक है तो आप देख सकते हो जैसे हम ये मैंगो स्लाइज को हम इजिली क्या कर सकते हैं स्मॉल स्लाइज में डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट ओके नेक्स्ट सिंगल वॉन्ट द गिवन कमोडिटी कैन सेटिस्फाई सिंगल वॉन्ट ऑफ अ पर्सन द लॉ अज्यूम्स एन एक्सपीरियंस ऑफ अ सिंगल वॉन्ट विच इज कंप्लीटली स्टेबल एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम तो स्टूडेंट जो भी कमोडिटी है उससे मेरा एक ही सेटिस्फाई होने वाला है ठीक है तो अगर कमोडिटी कमोडिटी में से से एक से ज्यादा सेटिस्फाई हो गए तो भी ये लॉ काम नहीं करेगा तो एक कमोडिटी से एक ही मेरे वॉन्ट सेटिस्फाई होना चाहिए ठीक तो है तो ये लॉ काम टो करे टोटल कितने एजम्पन स्टूडेंट एट एजम्पन है तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो स्टेटिस्कोप है इसका एक ही यूज है ठीक है वो भी डॉक्टर को यूज है और एक ही इसका यूज है इसका मल्टीपल यूज नहीं है स्टूडेंट ओके okay. तो पहला जो एज्शन था वो था हमारा रैशनैलिटी ठीक है सेकेंड कार्डिनल मेजरमेंट ओके रैशनैलिटी कार्डिनल मेजरमेंट होमोजीनियस ठीक है कंटीन्यूस इसी लिए यूज़ कर सकते हैं रीजनेबलिटी साइज रिजनेबल होना चाहिए ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए कॉन्स्टेंसी मतलब मेरा इनकम टेस्ट हैबिट चॉइस लाइक एंड डिसलाइक शुड बी सेम ठीक है डिविजिबिलिटी जो भी यूनिट में कंज्यूम करने वाला वो डिविजिबल होना चाहिए ठीक है थेके? और प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जिससे मेरा सिर्फ सिंगल सेटिस्फाई हो ओके स्टूडेंट चलिए अब समझते हैं लॉ ऑफ टेबल एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तो एक टेबल के थ्रू अभी हम इस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हो यूनिट ऑफ कमोडिटी एक्स यहाँ पे आप मैंगो एप्पल जो भी चाहिए वो ले सकते हो ठीक है तो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने पे आपको वो Uh, क्या बोलते हैं प्रोडक्ट से या वो कमोडिटी से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ठीक है जो यूटिलिटी मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा टेन ओके okay. तो जो प्रोडक्ट है स्टूडेंट वो आपकी पावर को रिड्यूस कर देगा टेन से ठीक है ना मतलब आपका पावर उतना सेटिस्फाई हो जाएगा नेक्स्ट जब आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम करोगे तो आपको आपका जो से, क्या है क्या बोलते हैं पावर है प्रोडक्ट का पावर आपके वॉन्ट को सेटिस्फाई करने का क्या हो जाएगा स्टूडेंट कम हो जाएगा एट तो आप देख सकते हो तो जैसे जैसे आपका ये यूनिट बढ़ रहा है वैसे ऐसे जो पावर है प्रोडक्ट का आपके वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने का कम 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 होता जा रहा है एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहाँ पे वो ज़ीरो हो जा रहा है मतलब वो प्रोडक्ट से मुझे वो प्रोडक्ट मुझे भी प्रेफर ही नहीं करूँगा मैं मैं लेना पसंद ही नहीं करूँगा ठीक है ना तो उस लेवल पे मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा क्या हो जाएगा स्टूडेंट ज़ीरो हो जाएगा और फिर अगर मैं और प्रोडक्ट वो लूँगा तो मुझे डिसयूटिलिटी हो जाएगी मुझे वो देखना भी मैं प्रीफर नहीं करूँगा ठीक है स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं The table shows that marginal utility keeps on diminishing with increasing the consumption. Further, it becomes zero and then negative. to तो आप देख सकते हो जैसे जैसे यूनिट बढ़ रहा है वैसे मैं marginal utility कम 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 होता जा रहा है ठीक है ना मार्जिनल यूटिलिटी फिर से बता रहा हूँ स्टूडेंट कम होना मतलब जो पावर है कमोडिटी में मेरे वॉन्ट्स को सेटिसफाई करने का वो कम 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 होता जा रहा है ठीक है फर्दर इट बिकम जीरो एंड बिकम नेगेटिव ओके चलिए तो टेबल एक्सप्लेन करते अभी ये ग्राफ

मार्जिनल यूटिडिटीज कव डिराइव स्टूडेंट ठीक है तो ये टेबल की मदद से जब मैं प्लॉटिंग करूँगा स्टूडेंट ग्राफ के ऊपर तो मुझे स्ट्रेट लाइन मिलेगी ठीक है ये मार्जिनल यूटिडिटी का कव मिलेगा स्टूडेंट मार्जिनल कव स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच शोज डेट एम यू गोज ऑन डिमिनिशिंग विद एवरी सक्सेसिव इनक्रीज इन द कंजशन ऑफ अ कमोडिटी वेन एम यू बिकम जीरो इंटरसेप्ट द एक्स एक्सिस फर्दर consumption ऑफ अ commodity then डिस यूटिलिटी दैट इज़ नेगेटिव यूटिलिटी विच इज़ शोन बाय सेडेड पोर्सन इन द डायग्राम तो स्टूडेंट जब आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करोगे तो उसकी उससे जो यूटिलिटी मिलेगी या फिर जो प्रोडक्ट में जो पावर होगा आपके वॉन्ट को सेटिसफाई करने का वो कम 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 होता जाएगा और एक पॉइंट पर आके ज़ीरो हो जाएगा जब मेरा जब जो कमोडिटी का पावर ज़ीरो हो जाएगा मेरे वॉन्ट को सेटिसफाई करने का तब तो वो एक्स एक्सेस पे जाके टकराएगा और उसके बाद में अगर मुझे कोई कमोडिटी मिलती है तो उसका जो पावर है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव में चला जाएगा ठीक है ना तो मुझे कोई यूटिलिटी नहीं मिलेगा उस प्रोडक्ट से इनफैक्ट मैं उस प्रोडक्ट से नफरत करना शुरू कर दूंगा स्टूडेंट ठीक है ना तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव यूटिलिटी ओके स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये जो कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का वो लॉ ऑफ मार्जिन डिमिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वो समझ में आया होगा स्टूडेंट ठीक है और उसके एजम्पन्स भी क्लियर हो गए हो गए ठीक है ओके थैंक यू